हटी की चोए दोषी ना चल बख्शिश ता दोषी वाला बख्शिश है भी थोड़ा यहाँ पे रेस्ट करेंगे निकलेंगे फिर सुबह सुबह बहुत खूबसूरत नज़ारा है एक छोटा सा रास्ता है ये हमारे शेफ लोग रोटी बना रहे हैं और यहाँ पे चाय बन रहा है। अभी हमने चाय वाय पी लिया, अब हम निकल रहा है दुकान पे। यहाँ से 2 किलोमीटर नीचे जाना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ सामान खत्म हुआ है, वही लेने जा रहे हैं हम 2 बंदे जा रहे हैं यहाँ से। नीचे 2 किलोमीटर के बाद वहाँ पे एक छोटा सा गांव है, वहाँ पे एक दुकान है, वहीं से जो मिलेगा वहाँ से ख़रीद के लेके आएगा। फिर यहाँ से 8-9 बजे निकलेगा इच्छू की तरफ, रवाना हो जाएंगे हम सब। चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ नज़र आ रहे हैं यहाँ से। सुबह के बज रहे अभी लगभग 6 बजे। कल रात को हमें यहाँ से आना पड़ा था हम सबको, हम 3 बंदे को, क्योंकि हम नदी के उस साइड गया हुआ था। फिर शाम को वहाँ से आते वक्त नदी पार नहीं कर पाया क्योंकि पानी वहाँ पे बहुत सारे फैल चुका था। हमने ट्राई भी किया था लेकिन नहीं हो पाया। हम वहाँ से घूम के वहाँ से फिर से नीचे गाँव में गया। वहाँ से एक छोटा सा ब्रिज बनाया हुआ है। अभी हम जा रहे हैं यहाँ से फिर से नीचे गांव में, जिसका नाम है शरगंड खाशो बोलते हैं। वहाँ पे एक छोटा सा दुकान है, वहीं पे जा रहे हैं हम वापस। ये है गाँव का स्कूल है, ये गवर्नमेंट स्कूल ऊपर भी करे। ये एक छोटा सा लोकल ब्रिज खजू गाँव का, देखिए यहाँ पे कितना खूबसूरत नज़र है। ओ
यहाँ से जा रहा है नीचे पानी, फिर वहाँ पे दरिया के साथ मिल गया था ये पानी। यहाँ पे गांव में लोग गोबर वोबर जमा करके रखा हुआ है, ये विंटर के लिए वो लोग जमा करते हैं। जब यहाँ पे बहुत सारे बर्फ़ पड़ जाते हैं तभी बखारी बखारी में लगा देते हैं गर्म रखने के लिए। सलाम अलैकुम। ये दुकान यहाँ पे है लेकिन खुला नहीं है अभी, अंदर आवाज़ देना पड़ेगा, बुलाना पड़ेगा दुकान पे। सलाम अलैकुम। एक छोटा सा दुकान था, इतना ख़ास वहाँ पे सामान तो नहीं था, फिर भी हम जो हमें चाहिए था थोड़ा थोड़ा वो मिल गया है। ये हमारा मोहम्मद हसन बटर काटते हुए चाय के इंतज़ार में। चाय लो, चाय 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 ज़्यादा नहीं करे, चाय के इंतज़ार में यहाँ पे सब बैठा हुआ है, चाय वहाँ पे उबाल रहा है। दो बटर चार पीस तो वहाँ पे तो धूप नहीं आई इसलिए बाहर है, धूप चाया है सब यहाँ पे। यहाँ पे हम ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर हम यहाँ से पैकिंग वैकिंग करके निकल लेंगे इचू की तरफ। अभी यहाँ से निकलेंगे इचू की तरफ, वहाँ पार्ट्स जाना है, फिर पार्ट से 4 घंटा लग जाएंगे वहाँ पहुँचने में। बस भाई लोग आगे वीडियो देखते रहिए और सपोर्ट करते रहिए भाई। अभी हमारे यहाँ पे पैकिंग वैकिंग हो चुकी है, हमें अभी चलने की तैयारी में है। फिर अभी हमें यहाँ से निकलना है इचू की तरफ, पैकिंग हो चुकी है, अभी यहाँ से जाना है। तकरीबन बोलने में आता है कि 4 घंटे का रास्ता है।
ये आपका खूबसूरत नज़ारा दरिया का, वहाँ से हमारे बंदे लोग आ रहे, वहाँ से भी आ रहे, यहाँ कुछ काम करने वाले गधे पे रोली वोली लेके जा रहे हैं, यहाँ से इचू लेके जा रहे हैं। एक आदमी चलने का रास्ता है सिर्फ, और भी थोड़ा कभी कभी किसी किसी मोड़ पे तो खतरा भी है रास्ता, क्योंकि यहाँ से आगे रोड नहीं है, यहाँ तक रोली पहुँच जाता है उनका। अभी पहले तो वो भी नहीं पहुँचता था, पहले तो शरगन डिक वहाँ तक ही था, वहाँ से लेता था, अभी तो थोड़ा और 2-3 किलोमीटर पहुँच चुके हैं नज़दीक। चलो आगे आगे देखते हैं और कैसे कैसे रास्ते मिलते हैं। अभी तक तो कुछ अच्छे भी थे, थोड़ा अच्छा था, कई कई जगह पे थोड़ा मुश्किल भी था रास्ता। चूँकि आधा रास्ता टाइप किया है हमने, यहाँ पर पहुँच जाए, अभी थोड़ा यहाँ पे रेस्ट करेंगे, फिर यहाँ से निकलेंगे, फिर यहाँ से जाना है। जगह पे पहुंच चुका है जहाँ से इचू का गांव दिख रहा है, वो देखो वो है इचू गांव। बहुत मुश्किल रास्ता भी था, आसान भी था। यहाँ से एक छोटा सा नदी बह रहा है। ये है इचू का शाम का टाइम, बाहर से गाय वापस आ रहे हैं, गधे गाय सब वापस ला रहे हैं, वहाँ पे उनका घर है। टूरिस्ट गेस्ट हाउस है ये है तो, लेकिन सारे दरवाजे तो लोग हैं और शीशे तो टूटे हुए हैं, खिड़की भी टूटे हैं, अंदर दीवारें भी टूटा हुआ है, अंदर हम बैठ नहीं सकते, इसलिए हम बाहर टेंट लगा के बैठा हुआ है। अभी यहाँ से जा रहे हैं इनके गांव में घूमने के लिए, देखते हैं कैसा है इनका गांव। ये बर्फ साइड का सबसे आखिरी गांव है, लास्ट।
ये है इचू का जामिया मस्जिद। लेकिन ये बहुत मज़े की है कि यहाँ के सारे लोग बहुत अच्छे हैं, कोई उधर से आवाज़ देते कोई उधर से आवाज़ देते, आ जाओ चाय पीने, आ जाओ दूध लेके जाओ, यहाँ से लकड़ी वकड़ी लेके जाओ। हर घर से यहाँ के बहुत लोग बहुत अच्छे हैं। लेकिन क्या बात है, देखा जाने का तो